रामपुर के दड़ियाल क्षेत्र में विद्युत विभाग की भारी लापरवाही देखी जा रही है। भीषण गर्मी के चलते विद्युत की कटौती हो रही है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल होने का सबब बना हुआ है। 50 से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट कटौती हो रही है, स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। आपको बता दें कि जनपद रामपुर के दड़ियाल क्षेत्र में लगातार लाइट कटौती से करीब 50 गाँव में विद्युत की कटौती हो रही है, जिससे ग्रामीणों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हमें इस भीषण गर्मी में जूझना पड़ रहा है। कई बार विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से हमने शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं। विद्युत की लाइन जर्जर अवस्था में है, पुरानी लाइनों के चलते विद्युत की लाइनों में जंग लग गया है, जिससे गर्मी के सीजन में आंधी तूफान आने से तार टूट जाते हैं और कई दिनों तक मेन सप्लाई बंद हो जाती है। वही आला अधिकारियों का कहना है कि हम उच्च स्तरीय अधिकारी को जर्जर हुई लाइनों के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भीषण गर्मी से भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसे में विद्युत विभाग के सुस्त रवैयों को देखते हुए रामपुर जिले के दड़ियाल क्षेत्र में तकरीबन 50 गांव इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये परेशानियां एक लंबे अरसे से चली आ रही हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। अब देखना है कि इस परेशानी से कब छुटकारा मिलता है। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। विभाग नहीं करेगा उस चीज को सॉल्व, विभाग करेगा हम नहीं करेंगे। अब ये है ना कि हम मैं जैसे आप अपनी अब छोटी सी मैं किसी और की कंप्लेंट लेके नहीं चल रहा है, मैं अपनी खुद की कंप्लेंट लेके चल रहा हूँ। मैंने एक आपसे कही थी कि साहब मेरे गन्ने के ऊपर से तार जा रहा है, मैं लिखित में भी देके गया था, मेरा वो आज तक सही नहीं हुआ। नाम है आपका? मेरा क्या परेशानी को लेकर आज हम इतनी गर्मी में सब लोग एकत्रित हुए हैं? हमारी परेशानी ये है कि हमारे विद्युत विभाग के अंदर एक ये मशीन लगने को आई थी, जिसका कोई भी अभी उपयोग नहीं हुआ। ये ऐसे की ऐसे पड़ी है, जिस हालत में आई थी उस हालत में ही रखी गई है। आज विभाग द्वारा इसको ले जाने की भी तैयारी कर ली गई है, ना तो हमें सप्लाई मिल रही है, ना ही हमें कोई टाइम पे लाइट है, ना कुछ है। जब फोन करते हैं तो पता चलता है कि लाइन ब्रेकडाउन हो गई। साहब कहाँ थे कि रामपुर से कि कहाँ थे कि साहब टांडे से? हम पूरी रात भागा दौड़ी करते हैं, किसान आदमी है, हमारा कोई सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं है। चारों तरफ भागे फिर रहे हैं, कोई हमारी नहीं सुनता, ना कोई लाइन में, ना कोई विभाग का और कोई आदमी। क्या दिक्कत आ रही है जो यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल पा रही है? रात को फोन करते करते थक जाते हैं, कोई उठाता नहीं। रात को तीन बजे दो बजे तो सप्लाई स्टार्ट होती है। सुबह को 5:15 भाग गई, उसके बाद में 8 बजे 10 बजे लगेगी, 1 घंटा 20 मिनट चली और काम खत्म। फिर फोन करते करते परेशान हो जाते हैं, फिर फोन लगता नहीं, कभी उठाते नहीं और कभी सप्लाई आती नहीं। अब ये सिस्टम इतना खराब है यहाँ का, ये लोग करें क्या बेचारे? 10 मिनट चला के किसी को दे रहे हैं लाइट, 10 मिनट चला के किसी को दे रहे हैं लाइट। इतना हमारी 10 मिनट नहीं चलती, इतना खांडी खेड़ा वाले हीरा काट देते हैं, भाई हमारी चलाओ। इतना उनकी नहीं 10 मिनट चलती, इतना दूसरे फीटर वाले मुमाना वाले करने लगते हैं। सिस्टम में कोई समस्या ऐसी नहीं। 10 मिनट 2 दिन का समय मांगा था अधिकारी लोगों ने, भाई 2 दिन में तुम्हारा सिस्टम सारा आ जाएगा। आज ये आया वापसी जा रहा है हमारा, ये इनकम नहीं आई हुई है खाली, ये भी वापसी जाने लगी। अब इसमें क्या करें? इसे कौन भरवा रहा था? अब उनसे पूछी ट्राली वालों से, भाई किसके अधिकार से आए हो आप लोग के जय हिसाब ने भेजा हमें? तो उनसे बतेरा वीडियो ही बनाई हमने एक जो जने ने, और उनको रोका तो भाग गए यहाँ से। अब ऐसे ऐसे कह रहे भाई इसका कोई इंतजाम करो तुम, तो वो कहते हैं भाई लिंटर टपक गया, बताओ हम क्या करें इसका? आग लग रही है इसमें, लिंटर टपक गया, जरा सी बूंदे पड़ती है लाइन खराब हो जाती है। जितनी बड़ी परेशानी में हम लोग हैं लाइट की तरफ से, बस